अस्सलाम वालेकुम अभी भी 5 लाख डाउन पेमेंट एंड 1% मंथली ईएमआई में खुद का घर, वो भी एमएम वैली में। एमएम वैली मतलब मुमरा का नया लोखंड वाला। इधर आपको ग्राउंड प्लस 7 का विंग मिलेगा, जिसके नजदीक आपको स्टेडियम मिलेगा, आपको कॉलेज मिलेगा, हॉस्पिटल मिलेगा और बहुत सारी एमिनिटीज वॉकिंग डिस्टेंस से मिलेगी। यहाँ का बेस्ट पार्ट ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए डाउन पेमेंट और 1% मंथली ईएमआई में टीएमसी में रेरा अप्रूव में खुद का घर मिलेगा। हमारा पिकअप एंड ड्रॉप फ्री है, प्लीज इसका बेनिफिट उठाइए। टीका लगाया हुआ है और आपका नाम मीदा रशीद। मैंने गंदी गंदी गाली सुनी है। बहुत प्यार करते हैं, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, उम्रा की देखरेख के लिए भी इनको मिलना चाहिए। वो लोग कभी खुद के समाज के लिए खड़े होते हैं क्या? उम्रा आता है तो भेष अलग करती हूँ, और इस बार शैतान को रोका गया, इस बार आने नहीं दिए पुलिस ने। आज अल्लाह का शुक्र प्रोग्राम बहुत अच्छे से हुआ इस बार। मैं खान और आप देख रहे हैं, इस समय मौजूद हूं उम्रा के शंकर मंदिर तालाब पर। और आपको बता दें कि आज छठ पूजा था और बड़े धूमधाम से लोगों ने छठ पूजा मनाया, और यहाँ पर एक भोजपुरी कार्यक्रम भी किया गया था, जिसमें खुशबू उत्तम भोजपुरी की जो गायक है, सिंगर है, वो यहाँ पर पहुंची थी। उनके साथ में और भी तमाम भोजपुरी के कलाकार थे। इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज रीदा मैडम ने किया था, जिनका अर्शिया वेलफेयर फाउंडेशन है। हम बात करेंगे खुशबू मैडम से ही। सबसे पहले आप बताइए कि आप महाराष्ट्र में मुंब्रा शहर में आए हैं, तो मुंब्रा शहर आपको कैसा लगा पहले? बहुत बढ़िया लग रहा है, सोच ही नहीं थे कि यहाँ पे इतना मतलब छठ का रंग जम जाएगा। बहुत खुशी हो रही है और साथ में ये रीदा रशीद मैम की ये ऑर्गेनाइजेशन देख के मतलब इतना अच्छा लग रहा है कि सारा कुछ व्यवस्थित रूप से है और बहुत कुछ है। पब्लिक का इतना प्यार हमको मिला और उनको मिला, सब छठी मैया का आशीर्वाद है। ये छठ पूजा आज था, रीदा मैडम की तरफ से कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया था। आपने कहीं ना कहीं जो है लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया, जिस तरह से आपने ये सभी सॉन्ग जो प्रदर्शित किए, कहीं उसमें जो एक सॉन्ग था भारत का बच्चा बच्चा आप बोलेगा, तो ये सॉन्ग पे आपने ज्यादा जो है तवज्जो दिया, ध्यान दिया, मतलब ध्यान दिया। और कई बार आपने इनसे पूछा कि ये गाना मैं गाऊं, ऐसा क्यों पूछना क्यों पड़ा? क्योंकि वो मुझे मतलब थोड़े से पता चला कि यहाँ पे ये दूसरा माहौल है, थोड़ा राम और हिंदूवादी, और यहाँ पे मतलब इस चीज को बहुत लोग पसंद नहीं करते, लेकिन हमको ऐसा नहीं लगा, इसलिए मुझे बार बार ऑडियंस बोलती गई कि नहीं खुशबू जी आप यही गाइए, बार बार भारत का बच्चा बच्चा बोलेगा, और मुझे भी बहुत मजा आया गा के। मैंने जो सोचा था, थोड़ा मन में डर था कि पता नहीं कुछ हो जाएगा या लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बहुत मजा आया। मुंब्रा शहर है, यहाँ पर हिंदू मुसलमान सभी लोग मिलजुल के रहते हैं, एक रहता है। मैं जब पटना से आ रही थी ना, तो मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि देखो हिंदूवादी गाना मत गाना, मिनी पाकिस्तान है, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैम को लोग बहुत प्यार करते हैं, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, मैम को बहुत प्यार करते हैं और इनके प्यार की वजह से हमारा प्रोग्राम सुपर डुपर हिट हुआ है। आप तो भोजपुरी फिल्मों में और एल्बम में, मैंने भी आपका देखा है यूट्यूब चैनल, काफी अच्छा। हर पर्व त्योहार का जैसे तीज जितिया करमा धर्मा, मतलब जितना भी यूपी बिहार में जो फेस्टिवल होता है ना छोटा छोटा सा, सारे के मेरे गाने आते हैं हमारे खुशबू तुम ऑफिशियल चैनल पे, और बाकी स्टेज शो तो देख ही रहे हैं, सब ऊपर वाले का आशीर्वाद है। तो कोई एक छठ पर्व के ऊपर, छठ मैया के ऊपर कोई एक छोटा सा गीत? जी बिल्कुल, वही ट्रेडिशनल सॉन्ग है, महंगी नच पास जाए ना बाला बजे सोया, महंगी घाट पहु जाए महंगी नच पास जाए। बहुत खूबसूरत सॉन्ग था। बम्बन जी आपके तरफ से दूसरी बार ये रीदा मैडम ने आपको दूसरी बार भी जो है यहाँ पर कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया है, पहली बार भी काफी अच्छा हुआ था, अब की बार भी काफी अच्छा। आपने मैं तो पहले तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ रीदा रशीद जी का, उनका प्यार मतलब मुझे मिलते रहता है और मुझे भी अंदर से मतलब तो मन करता कि नहीं मुझे मिले, और यहाँ का ऑडियंस देखने मुझे और मोहब्बत मिलता है, प्यार मिलता है, तो अच्छा लगता है प्रोग्राम देखकर। मैं चाहता हूँ कुछ नया हो, हर साल नया हो, और ऑडियंस का प्यार बहुत मिलता है मुझे, काफी नया, पिछली बार से इस बार काफी नया था, नए लोग थे और मनोरंजन भी थोड़ा अलग हुआ है।
बोलिएगा इसे कि अगले साल भी आपको ही बुलाए। ये तो मैम के ऊपर है, यहाँ की ऑडियंस क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि आपको बताया गया, डराया गया, यहाँ आकर आपको कुछ ऐसा लगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा। और जितनी भी महिलाएं हैं, सब लोग का डिमांड है कि मैम फिर से आइए, फिर से आइए, फिर से आइए। तो ये तो आप यहाँ के लोगों के ऊपर है कि हमको दोबारा बुलाएंगे। इनके ऊपर सबसे ज्यादा है, बड़े बड़े कलाकारों को आपने बुलाए। और एक चीज तो और भूल गया, आपने इनके चुनाव के बारे में भी मंच पर इन्हें देखिए, हमको मैम में वो जज्बा लगा। और सही पता है, हमको ऐसा लग रहा था, थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन इनको देख के इतना अंदर से एकदम कॉन्फिडेंस आया ना कि नारी शक्ति सच में, अगर वो मजबूती हिम्मत का अगर उदाहरण दिया जाए तो रीता रशीद। इसीलिए मुझे लगा कि भगवान अगर ये जो भी चाह रही हैं इनको मिलना चाहिए, इनको सब कुछ मिलना चाहिए, मुमरा की देख रेख के लिए भी इनको मिलना चाहिए। चुनाव की तैयारी में है, चुनाव की तैयारी में है, ऑल द बेस्ट है, चुनाव की तैयारी में है, इसीलिए सब ऑल द बेस्ट। हम आप सब आपके साथ हैं, आगे बढ़िए। सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय भीम। बहुत भावुक टाइम है मेरे लिए। आप लोग ने देखा मैंने मंच पे माइक नहीं लिया, एक मिनट के लिए लिया। आप लोग को सभी को पता, को थाना के लोगों को, महाराष्ट्र के लोगों को, एक छठ पूजा करने के लिए पहली बार, क्योंकि उसके पहले जब मैं यहाँ मेहमान थी, जिस तरीके से मैंने देखा है छठ पूजा को, और जो छठ पूजा हमने बाहर देखा है वहां नहीं होता था, तो मैंने सोचा चलो छठ पूजा करवाती हूँ। बड़े जैसा होता है जिनका बहुत बड़ा प्रोग्राम है, बिहार वालों का बहुत बड़ा प्रोग्राम है, लेकिन उसमें यूपी भी आजकल शामिल है, तो मैंने सोचा बड़ा कराऊं। तो आपको पता है मैंने लाफा खाया है, मैंने गंदी गंदी गाली सुनी है, ऐसे बहुत सारी परेशानी इस ग्राउंड पे मेरे को मिला था। मेरे पे तो FIR बना झूठा, साथ साथ उस झूठे FIR में मेरी बच्ची को तो खींचा गया। मतलब ये इसलिए भावुक है, इसलिए मैंने आज मंच पे बोला नहीं। अभी मुझको मैं बोलना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे पता है ये बात छिड़ी जाएगी तो मैं बिल्कुल भावुक हो जाऊंगी। तो लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है, प्रोग्राम बहुत अच्छे से हुआ इस बार। लास्ट टाइम की पुलिस ने भी साथ दिया था, लेकिन इस बार की पुलिस, लास्ट टाइम की पुलिस, इसका फर्क आप ही लगा सकते हैं। लास्ट टाइम पता नहीं मुझे क्या हुआ था लोगों को, जो शैतान आ गए थे, इस बार आने नहीं दिए पुलिस ने, और इस बार शैतान को रोका गया। और प्रोग्राम बोलेना छठी मैया, और ये दरवाजा है, ये आंगन है भगवान का, तो यहाँ पर किसी को, शैतान को आने का मौका ही नहीं दिया भगवान ने, और बहुत अच्छे से प्रोग्राम हुआ। तो बस बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेरी बहनें, इस बार बहनों, खास करके बहनों का, जिन्होंने मुझे ताकत दिया, जिन्होंने मुझे खड़े रहने की हिम्मत दी, और बस सभी बहनों का, पूरे गुजरात की बहनों का, जिन्होंने ताकत दिया मैं हिम्मत से खड़ी रह सकी और ये प्रोग्राम सक्सेस हुआ, उसके लिए बहुत बहुत सभी का धन्यवाद। छठ पर्व है और आपने भी टीका लगाया हुआ है, और आपका नाम रीता रशीद। मेरा नाम रीता असगर रशीद है। मैनेजमेंट ने भी काफी सारे मेरे लोग थे, पूरा मैनेजमेंट किया है। देखिए ये जो मेरी बहनें हैं, जब अजान होती है तो मेरे साथ रुक जाती है या मेरे साथ चुप हो जाती है, तो अगर वो इज्जत दे सकती है मेरे कास्ट को या मुझे या मेरे लोगों को या मेरे अजान को, तो मैं क्यों नहीं टीका लगा के उनको इज्जत दूं या उनके सम्मान करूं उनकी चीज को। तो इसलिए लगाया है, मेरे लिए मेरे देश का प्रोग्राम सब एक है, और मुझे लगता है मान सम्मान देने के लिए मेरी जाति बीच में नहीं आनी चाहिए। मान सम्मान एक जगह है, जाति एक जगह है। मैं जब एक पॉलिटिशियन बोलती हूँ या एक सोशल वर्कर बोलती हूँ, तो उस बीच में ये सब नहीं आता है। तो जहाँ मैं खड़ी हूँ, मैं वहाँ की हूँ, प्योर हूँ, मैं दिल से जहाँ हूँ उसमें कोई बदलाव नहीं आता है, लेकिन मैं जहाँ हूँ और उनका मान सम्मान अगर मैं रखती हूँ, तो मैं हर टाइम रखूंगी और हर टाइम करते हैं। लेकिन मुमरा शहर में भी कुछ लोग ऐसे हैं, हर कोई नहीं, जो आपकी इस पर टिप्पणी करते हैं और सवाल खड़ा। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग कौन है, वो लोग कौन से समाज के लिए काम करते हैं, वो लोग कभी खुद के समाज के लिए खड़े होते हैं क्या? इसलिए
मुझे ऐसे लोगों से कोई फर्क पड़ता नहीं है, मुझे ऐसे लोगों की बात सुनाई नहीं देती है। अगर जो घर से निकलेगा, समाज की बात करेगा, समाज में काम करेगा, देखिए मैं जो हूँ सामे हूँ, मैं मुमरा आता है तो भेष अलग करती हूँ, तलवा आता है तो भेष अलग करती हूँ, ऐसा तो नहीं है ना, मेरा दो रूप नहीं है, मेरा एक रूप है और वो रूप मैं सभी जगह दिखाती हूँ। तो मुझे लगता है रूप दिखाना है तो सभी जगह एक दिखाना चाहिए और तलवा में जाके एक अलग और मुमरा में एक अलग नहीं दिखाना चाहिए, तो मैं जैसी हूँ वैसी। आपने सुना कि आज जो यहाँ पर छठ पूजा का प्रोग्राम हुआ वो काफी जो है यहाँ पर सराहना लोगों ने की, काफी भीड़ यहाँ पर थी, पुलिस का भी भारी बंदोबस्त यहाँ पर लगाया गया था, क्योंकि पिछले साल जब यहाँ पर छठ पूजा हुआ था उस वक्त काफी अड़चने आई थी और वो अड़चने इस साल ना हो इसलिए पुलिस प्रशासन की तरफ से एहतियात बरता गया था, लेकिन छठ पूजा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ।